खाने की काफी ज्यादा उसमें डिशेज होती है, तो वो एक सिर्फ एक रुपए में, सिर्फ एक वो तो एक कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है उस थाली में और क्या एक रुपए में मिलता है। तो प्लीज वीडियो को हमारे साथ एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। वो कहते हैं ना, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, इंसानियत जहाँ जिंदा है वहाँ मजहब की कोई बात नहीं होती। ऐसा ही नेक काम पेट भरने का 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये में कई जगह किया जा रहा है। लेकिन हम पहुँचे दिल्ली के नागलोई में एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक रुपए में खाना दिया जा रहा है, और अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप फ्री में खाओ और पैक करा के भी ले जा सकते हैं। तो आज हम फरीदाबाद शहर छोड़ के, जैसा आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा बाहर का भी दिखाइए फूड वगैरह कुछ, तो हम आ चुके हैं दिल्ली के नांगलोई में और हमारे साथ में है स्वाद ऑफिशियल से गौरव भाई। क्या हाल है गौरव भाई? बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शहर आए दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फर्ज बनता है जहाँ भी कुछ अच्छी चीज हो रही हो, अच्छा कोई सेवा हो रही हो, उसको शूट करना, उसको कवर करना। तो गौरव भाई थोड़ा इसकी डिटेल दो आप हमें, क्या है? भाई नांगलोई में एक ऐसी जगह है जहाँ पे है जी श्री श्याम रसोई, और यहाँ पे 1 रुपए की थाली मिलती है, सिर्फ 1 रुपए की, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की। और सबसे अच्छी बात पता क्या है? अनलिमिटेड, 1 रुपए में जितना मर्जी खाना है खाओ, मर्जी खाओ, जब तक आपका पेट नहीं भरता, जब तक मन नहीं भरता, तन नहीं भरता, खाते हो। बहुत बढ़िया। तो हमारे सामने खड़े हैं श्री श्याम रसोई के कर्ता धर्ता जो ये चला रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार। तो इसके बारे में मुझे बताइए कैसे शुरुआत हुई और कब से आप कर रहे हैं ये? जैसे कि आपको पता ही है, पहले 10 रुपए में स्टार्ट था। पहले 10 रुपए में आप देते थे? बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ पे आपके मन में फिर 1 रुपए में कैसे विचार आया? सर बस प्रभु की इच्छा थी। हाँ जी। और 1 रुपए में स्टार्ट हो गया, उसके बाद जो फैक्ट्री वाले हैं यहाँ पे, हाँ जी, बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, लोग भी काफी ज्यादा इसमें ना पैसे देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, हाँ जी, ये बहुत ज्यादा फैल गया। हाँ जी। तो 1 रुपए लोगों ने जो पेटीएम करा, जो रुपया आया है लोगों ने, जो 1-1 रुपए जो साथ दिया है, हाँ जी, उस पैसे से ही चल रहा है। बहुत बढ़िया। और इसके अंदर मेरा कुछ नहीं है सर, ऊपर वाला, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, और ये हमारे रजीत सिंह जी हैं जिन्होंने मेरे को जगह दी है, और बिना रेंट बिना पानी सब कुछ कुछ नहीं लेते मेरे से। बहुत बढ़िया। अच्छा, 1 रुपए के माध्यम से मैं और करना चाहूँगा, हाँ जी, कि प्लीज मुझे बार बार फोन कर हर बात ना पूछी जाए। हाँ जी। आपने जो भी मैसेज करना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यही है, 92 नंबर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये नंबर है 9266-8200 है। तो इस पे पेटीएम वगैरह जो भी सहायता, सर मेरी एक और रिक्वेस्ट है, कई भाइयों से मैं कह भी चुका हूँ, हाँ, मुझे 1 रुपए से ज्यादा का पेटीएम ना करें। अच्छा। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, कोई 1000 ना डाले, 500 ना डाले, 10 ना डाले, 20 ना डाले, केवल 1 रुपए ही डाले, 1 रुपए ही। अगर कोई भाई कोई अन्न का दान देना चाहता हो, हाँ जी, हमारा लड़का जाएगा वो ले आए अन्न का दान, अन्न का दान पैसे नहीं लेंगे, कैश नहीं लेंगे जी। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, और मेरी बार बार एक रिक्वेस्ट हो रहा है, बार बार, बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा काम है, सेवा में जो गरीब होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो बार बार इस नंबर पे फोन ना करें, जैसा कि ये नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इस नंबर पे आप 1 रुपए जैसा बता रहे हैं, अगर आप फोन करना चाहते हैं श्याम रसोई से रिलेटेड करनी है, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे यहाँ से 100 आदमी का, 200 आदमी का जितना भी मंगाना चाहते हैं, बिना पैसे आप मंगा सकते हैं। कृपया बार बार फोन मत करें कि कितने पैसे लेंगे, क्या लगेगा, ये आपके ही है। तो ये सेवा दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर सेवा है, और आप 100 आदमी का, 200 आदमी का जितना बांट सकते हैं, हाँ जी, वेस्ट ना करें, जितना बांट सकते हैं आप ले जाइए, और आपको मिलेगा। जय श्री श्याम। तो खाना यहाँ पे 1 रुपए में खिलाया जरूर जा रहा है, लेकिन आप ये देखो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसा कि बता रहे हैं भाई साहब, इसमें देसी घी डाला हुआ है। बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है अभी से, ये जो दाल रोस्ट हो रही है। तो जो दाल का हलवा मैंने आपको पहले दिखाया था, जो रोस्ट हो रहा था, उसकी रंगत देखो एकदम बदल चुकी है, कितना खूबसूरत और डिलीशियस लग रहा है, और साथ ही में काजू बादाम सारे ये डल गए इसमें, बादाम इतना ज्यादा पैसे लगा रहे हैं भाई, देख के तो बस अब मन कर रहा है काफी इस हलवा में ही डूब जाओ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये हलवा। सर काजू है, क्या बात है, ये काजू डल गए, काजू
जबरदस्त लवली, बहुत ही अच्छा है, बड़ा जबरदस्त। तो काजू और बादाम से भरपूर ये देसी घी का मूंग का दाल का हलवा, और आप को मैंने जैसा बताया ये सब कुछ एक रुपए में है, तो कुछ एक रुपए में कुछ भी फालतू नहीं ली जाएगी, और आपके पास पैसे नहीं भी हैं अगर तो भी आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। सर किसी का बर्थडे है बच्चे का, ये उनकी तरफ से है, ये किसी के बच्चे का बर्थडे है उनकी तरफ से आज रसगुल्ला है जी, मेरा नाम मत लेना, सारे वाली सब्जी है जी, बहुत बढ़िया सब्जी है, ये आलू की सब्जी, ये सर भंडारे वाली सब्जी है, इसके अंदर जो स्वाद है ना जी, हाँ जी, ये भंडारा जो होता है इसमें कुदरती परमात्मा का एक अलग ही होता है, बिल्कुल अलग ही स्वाद आता है भंडारा, ये सब पंजाबी छोले बोलते हैं इसको, पंजाबी छोले चने, छोले भंडारे वाले, क्या बात है सर, इसको बड़ी मेहनत से हमारे भाई ने बनाए हैं। यहाँ पे ना हम रोज खाना खाने आते हैं, यहाँ पे कड़ी चावल रोज मिलती है, और हलवा मिलता है, खीर भी मिलती है, मतलब खीर बड़ी मस्त लगती है, खीर बढ़िया लगती है, और हलवा, हलवा भी अच्छा लगता है, मतलब पेट भर के खाना खा के रोज जाते हो आप लोग यहाँ पे, सभी आओ फ्री में, तो जी मामला फ्री में आओ लोग, आप देख सकते हैं वहाँ से वहाँ तक का। भाई साहब हमें बताइए ये क्या क्या है? ये सर मूंग का हलवा है, वाओ, ये किसी बच्चे का जन्मदिन था, हाँ जी ये उन्होंने बनवाया है, मूंग की दाल का देसी घी वाला हलवा ड्राई फ्रूट डाल के, बहुत बढ़िया, ये भी ये किसी की पापा की याद में खिला रहे हैं समोसे, बहुत बढ़िया समोसे, हलवा भी है, और भी चीजें हैं काफी ज्यादा, और ये सर छोले की सब्जी है, चने हैं, लवली छोले की सब्जी, देखो आप पंजाबी छोले, पंजाबी छोले, हाँ जी बहुत बढ़िया, एकदम गाढ़े फर्स्ट क्लास छोले हैं, और ये आलू भंडारे वाली सब्जी होती है ना जी, ये भंडारे वाली सब्जी, वाह भंडारे वाली सब्जी, रंगत देखो आप सब्जी की बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में, बहुत बढ़िया, ये सर तंदूरी रोटी है, तंदूरी रोटी है, जो लोग शुगर वगैरह है वो आलू सब्जी नहीं खा सकते, ओके, छोले की सब्जी और रोटी है, रोटी उनके लिए, और जो लोग पूरी जो लोग पूरी खा सकते हैं उनके लिए आलू की पूरी सब्जी, तो काफी सारी चीजें हैं, काफी वैरायटी है, तो जी एक मटर पनीर की सब्जी जो रह गई थी भाई साहब आ गई, ये मटर पनीर की सब्जी है, ये देखो क्या मस्त सब्जी है, बहुत बढ़िया, थाली रेडी हो गई है, थाली में देखो आप क्या क्या वैरायटी है, और सिर्फ एक रुपए में, सर एक रुपए में है भाई साहब, देख रहे हैं, एक बात कहनी होगी, आप बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हो समाज के लिए, बिल्कुल ऊपर वाला करवा रहा है, लेकिन ऊपर वाले ने आपको जरिया बना के जरूर भेजा है, बहुत ही अच्छा, ये तो लोगों किसी बर्थडे है, जन्मदिन है, किसी सालगिरह है, बिल्कुल वो लोग दे जाते हैं तो हम खिला रहे हैं, बिल्कुल हमारी कहाँ बात है सर, नहीं नहीं बिल्कुल, ये हलवा है, ये देसी घी का हलवा, मूंग का हलवा, मूंग की दाल का, ये सर रसगुल्ले हैं, हाँ जी ये मटर पनीर की सब्जी है, आलू की सब्जी, ये भंडारे वाली सब्जी है जी आलू की, और ये छोले, ये छोले, जिस आदमी को डायबिटीज है वो छोले अपना आलू सब्जी नहीं खाना चाहता, हाँ जी उसके लिए रोटी और छोले, बहुत बढ़िया, अच्छा है खाना, बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं आराम से, कैसा अंकल जी खाना, खाना बहुत बढ़िया है, प्रभु का भंडारा लग रहा है, हाँ जी खाना बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, तो डेली आते हो आप यहाँ पे, नहीं कभी कभी, कभी कभी जब मन करता है, हाँ और आपको कैसा लगा, खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बड़ा कमाल है यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रजनीश और जतिन क्या हाल है, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो एक्साइटेड हो एक रुपए की थाली के लिए, हाँ एक रुपए की तो नहीं लग रही पर मेरे को देख के थाली कुछ जंबो थाली लग रही है, पर 150 रुपए की, और वो भी ज्यादा ही है, वो भी अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मटर पनीर, आलू की सब्जी, छोले, पूड़ी, रोटी, हलवा, समोसे, रसगुल्ले, भाई इतना सब कुछ, ये तो किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मेरे ख्याल से 200-300 रुपए में मिलेगा ये सब, कितने सारे लोग हैं जो वर्कर्स हैं काम करने वाले हैं ना, तो जी खाना बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, खाने का स्वाद रंगत देख के ही पता चल जाता है, और ऐसे खाने का कोई रिव्यू भी नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो सेवा भाव से जो खाना बनता है ये खाने में स्वादिष्ट ही होता है, और जतिन ने टेस्ट किया वैसे बढ़िया है ना सब कुछ, बहुत मजा आया, एकदम बढ़िया मजा आ गया, पनीर तो मतलब मेरा फेवरेट है वाली, यहाँ का तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात ये सब कुछ तो है ही है वो भी अनलिमिटेड, तो हमने आपको सारा चीजें दिखा दी, एक रुपए में यहाँ कैसे खाना तैयार किया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है,
सब लोगों की सेवा और सहायता से दिया जा रहा है। गौरव भाई ने हमें बहुत बढ़िया जगह बताई और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें जगह बताई, हम यहाँ आए, हमने शूट करा। आप भी अगर कुछ अपनी सहायता देना चाहते हैं तो दिए गए पेटीएम नंबर पे, वैसे तो भैया ने बोला है ₹1, बट आप ज्यादा भी पेटीएम कर सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो, और आपको कोई क्वेरी करनी है तो दूसरा नंबर जो आपको बताया था उस पर आप कॉल करें। इसी के साथ बने रहिएगा चैनल पे, शुक्रिया। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त सी वीडियो थी, सच्ची में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देख के। ₹1 में तो कुछ भी नहीं आता, ₹1 में तो एक टॉफी भी तक नहीं आती। हाँ, अभी जो दौड़ हो चुका है तो बहुत ही अच्छा, इंसानियत के लिए, लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं। आप वो जो है जिन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है काम, कितने साल हो गए उनको ये स्टार्ट किए, अभी तो और भी इनकी न्यू वीडियोज है जिसमें और भी इन्होंने डिशेज ऐड की हुई है, तो लोग बहुत ज्यादा ना इनकी मतलब हेल्प करने में लगे। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग हेल्प करते हैं, उन्होंने ये काम, मतलब एक तो होता है ना चलो लोग हेल्प करते हैं, लेकिन आपका खुद का बहुत ज्यादा एक होता है कि आप उसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं, टाइम देखेंगे अपना, टाइम का वो उससे कोई भी फायदा अपने लिए बोलते, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं रखता इस चीज से। जितने भी लोग जो जहां से भी आते हैं, दूर दूर से आते हैं, और आपको पता है मजदूर तबका जो होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते वो बाहर से कहीं से रोटी खा सके, तो ज्यादातर मजदूर तबका जो होता है ना जो लोग पैसे कमाने के लिए घरों से निकले होते हैं, तो वो उन्हें खाने का भी तो होता है ना कि हम यहाँ काम करते हैं तो खाना भी, तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी। बहुत से गरीब लोग और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये है, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी जो वीडियो होती है देखकर। जो थालियां है इतना अगर हम देखें ना यहाँ पे तो 300-400 रुपए में इतनी या 500 रुपए में इतनी खाना तो मिलता ही नहीं है, महंगाई है। लेकिन उधर की बात करते हैं तो ये थाली बिल्कुल काफी 3-4 वो डिशेस थी और वो रसगुल्ले भी थे, समोसे थे, हलवा पूरी, वही ना मतलब के पेट भर के इंसान। और ये बहुत अच्छी चीज थी कि अनलिमिटेड है, जितना भी आप खाना चाहे उतना खा सकते हैं, और मतलब ये नहीं है कि एक टाइम मुकर्रर होता है, एक मतलब के जिस टाइम मर्जी आप आए आके खा के चले जाए, और आप साथ भी लेके जा सकते हैं, बस ये है कि जाया मत करें खाने को, क्योंकि ये खाना ऐसा है कि इसको बिल्कुल जाया नहीं करना चाहिए, जाया करके आप वो कितना नुकसान करते हैं इस चीज का, अगर आप जितना खा सकते हैं उतना ही बस लें। बिल्कुल ये बहुत ही एक अच्छा काम है, और यहाँ भी वैसे ऐसी कुछ होती है वो जो उन्हें कहते हैं अदारे होते हैं, और कुछ चीज लोग जहाँ पैसे देते हैं फिर वो भी ऐसा खाने खिलाते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा होता है इंसानियत के लिए, देखें इसमें कोई मजहब नहीं होता, आप जिस भी मजहब से आप यहाँ आकर खा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसी वीडियो देखकर। और ये है कि वो उन्होंने कहा कि ₹1 आप दे डोनेशन में, सिर्फ ₹1 और उससे ज्यादा ना दे, ना भेजे, ये बड़ी अच्छी बात लगी है। अच्छी भी थी और एक तरह से अजीब भी थी कि लोगों का जितना मन करे, मतलब होता है ना कि कुछ लोगों के दिल में आता है कि ये बंदा तो पैसे लेके, इतने पैसे तो लगा नहीं रहा, जितने पैसे इसको मिल रहे हैं, तो वो इस वजह से वो बोल रहे हैं कि आप लोग मुझे राशन दें, राशन। हाँ, ये चीज होता है कि वो कह रहे थे अगर किसी ने ज्यादा पैसे देने हैं वो पैसे ना दे, वो राशन दे, जो चीजें बनती हैं वो चीजें या फिर चावल या फिर कुछ भी जो दूसरी हो सकती हैं वो चीजें दे, ताकि लोगों को दे सके, वो सेवा में लगे हैं, वो लालच किसी लालच में नहीं कि मैं अपना को फायदा सोचूं, बस लोगों की सेवा में, ऐसे ऐसे काम में टाइम ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। वर्कर्स रखे उनको भी तो वो तनख्वाह देनी होती है, ये उनके जो ये वो यही कह रहे थे इस वीडियो में, जहाँ पर ये इन्होंने ये लगाया हुआ है सारा, ये किराए की जगह है, बट वो कोई किराया नहीं हमसे लेते और ऊपर से हमारी इतनी मदद वो भी करते हैं, तो ये वाली वो भी कितने अच्छे लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं, जो दुकान है या जहाँ भी इन्होंने लगाया हुआ है सारा कुछ, तो वो भी कोई किराया कुछ भी नहीं लेते इनसे, रेंट वगैरह, तो कितना ज्यादा वो सब अभी तो ऐसा है ना, मतलब बाहर अभी मैंने एक न्यू वीडियो देखी थी जिसमें ना इन्होंने अंदर मतलब सारा एक जैसे होता है ना हम किसी शादी हॉल में जाते हैं, वैसे मतलब ये जैसे ये तुम्हें नजर आ रही है इसी तरह अंदर उन्होंने एक जगह बनाई है, टेबल वगैरह लगाए हुए हैं, लोग जाके वहां पे बैठ के खा के आराम से आ जाते हैं इस तरह से जाके, तो ये बहुत अच्छा एक काम, इंसानियत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, और बहुत अच्छा लगा सच्ची में ये वीडियो देख के, दिल खुश हो गया ऐसी वीडियोस देख के, तो उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर इस तरह की किसी और वीडियो पे आप रिएक्शन चाहते हैं, वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिलेगा, वहां पे भेज सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।